सोने के इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्ड. और चांदी को क्या कहते हैं? सिल्वर. तो बर्तन कौन से हमारे घरों में? अब लोग कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये कोई वो सिल्वर थोड़ी है. एक मोनोपोली के जरिए ये सिल्वर सस्ता किया गया, मुफ्त में दिया गया, क्योंकि यहूदियों को पता है इनके नबी ने जो कह दिया ना वो बात 100%. 100 रुपए की पतीली इसलिए बेची गई कि उन्होंने 50,000 की दवाई बेचनी है. ये सिल्वर के बर्तन वल्लाह इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं. आप ना घर जाके तजर्बा करना, तजर्बा करना. जो हांडी आप लेके आते हो सिर्फ 3 महीने के अंदर उसका वजन चला कहां जाता है? जो कोला आप फ्रिज में रखते हो उसमें जो बर्फ जमती है, कोला जब लेके आते हो तो उसका एक अच्छा खासा वजन होता है, जाके वजन मैयर कर लेना. 1 महीने के अंदर उसका वजन जाता कहां है? ये सिल्वर घिसता है और ये कैंसर की वजह है. इसके बाद कैंसर की वजह मेरे मोहतरम भाइयों प्रेशर कुकर का खाना, प्रेशर कुकर का खाना. इमाम इब्ने कय्यम ने जादुल माद के अंदर लिखा जो खाना रोशनी और हवा की अदम मौजूदगी में पकता है वो खाना आपको ताकत देता है. सॉरी, जो उसकी मौजूदगी में पकता है वो ताकत देता है. जो रोशनी और हवा की अदम मौजूदगी में पकेगा वो खाना बीमार करेगा. प्रेशर कुकर में खाना उसको बंद कर दिया जाता है, उसमें रोशनी भी नहीं होती और उसकी हवा को पहले क्या किया जाता है? निकाला जाता है. और मेरे मोहतरम भाइयों प्रेशर कुकर में 2 चीजें पैदा होती हैं, एक स्टीम और एक प्रेशर. स्टीम से खाना गर्म होता है, प्रेशर से फट जाता है. और आप कौन सा खाना खा रहे हैं? फटा हुआ, गला हुआ. ये कैंसर का सबब है. आपके कुकिंग ऑयल ये कैंसर का सबब है. आपके रिफाइंड जितने नमक हैं ये कैंसर का बाइस है. आपके मेरे मोहतरम भाइयों चीनी, इसके अंदर लाइम है, चूना है. ये चूना कौन सा? जिसको आप लोग कली कहते हैं, ये जिसको व्हाइट वॉश कहते हैं, ये हाथ को अगर लग जाए तो क्या करेगा? फाड़ देगा. अंदर सब कुछ फटा हुआ है लेकिन चीनी छोड़ते नहीं आप लोग. ये कैंसर का सबब है. आपके जितने रिफाइंड फूड, प्रोसेस फूड, आपके सारे के सारे फास्ट फूड, जंक फूड, आर्टिफिशियल फूड, आपके सारे फ्रोजन फूड, आपके सारे के सारे मेरे मोहतरम भाइयों ये कैन फूड, आर्टिफिशियल फूड, ये सब कैंसर बनाते हैं. इससे अवॉइड करो. इलाज के लिए क्या करना है? मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसावा लो. 5 दवाइयां हैं, कलवंजी बेदाने का पानी, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी, इसके साथ हल्दी और दालचीनी और सौंफ वाला दूध. 4th नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों नबीज पियो. नबीज, नबीज क्या है? 1 गिलास पानी लो, उसमें 10 बादाम डालो, 5 खजूरें डालो, आधी चाय की चम्मच सफेद तिल, आधी चाय की चम्मच चारों मगर, आधी चाय की चम्मच खशखाश. सारी रात इसको पड़ा रहने दो. सुबह इसी पानी को ग्राइंड करके, इसी पानी के अंदर ग्राइंड करके बादाम का छिलका उतारो, खजूर की गुटली निकालो और ये पानी पिलाओ. और आखिरी बार तलबीना खाओ. तलबीना, तलबीना क्या है? जौ का दलिया. जौ का दलिया, हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता था तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था, और उस वक्त तक तलबीना चूल्हे से नहीं उतरता था जब तक वो मरीज जो था या सेहतयाब हो जाता था या अल्लाह से मुलाकात कर लेता था.